स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। तो दोस्तों, बिहार CHO 4050 वैकेंसी, जिसका वेट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कर रहे हैं, और इसके अलावा जुलाई से दिसंबर बैच जिन्होंने CCS कंप्लीट किया है उनकी ज्वाइनिंग, क्या काफ़ी लंबे समय से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं ज्वाइनिंग का। तो दोस्तों, एक तो नेगेटिव कमेंट्स आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप वीडियोज़ को ना देखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं बिहार CHO ग्रुप्स पे भी जुड़े हुए हैं और अदर स्टूडेंट्स भी हैं जो नेगेटिव खबर बहुत ज़्यादा फैलाते हैं कि आपको नहीं पता, आप यहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए। तो आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है, आप ना देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसके अंदर ऑल बिहार CHO का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, आज बिहार हेल्थ सोसाइटी SSB ऑफिस के अंदर कुछ स्टूडेंट गए थे, और हमारे साथ के स्टूडेंट थे, नर्सिंग ग्लोब से जुड़े हुए हमारे परिवार के ही सदस्य थे, जो इन दोनों मुद्दे के बारे में पूछ के आए हैं। वहाँ बिहार हेल्थ सोसाइटी के अंदर काफ़ी रस था वहाँ पे, और आज उन्हें अंदर भी नहीं घुसने दिया गया। बहुत कड़ी मशक्क़त के बाद में वो लोग अंदर घुस के पता लगा कर आए हैं इन दोनों वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होती है कि वो जो खबर देते हैं वो 100% पुख्ता ही रियल खबर हो, और हमने जो आपको डेट बता दी है और उसी डेट को ये लोग ज्वाइनिंग देते, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने 15 जून तक ज्वाइनिंग की बात मुझे खुद को कही थी, और अभी तक इन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं दी है। तो अभी जो रिसेंटली जो अपडेट है वो ये है, एक्सपेक्टेड जो चीज़ आप हम लोगों को बताई गई है वो ये है कि बिहार CHO 4050 जो वैकेंसी है इसका एक अप्रूवल बाकी है। जैसे ही वो अप्रूवल हो गया, क्योंकि जो फाइनल जो लिस्ट होती है उस लिस्ट के अंदर 2-3 सिग्नेचर होते हैं, तो एक अप्रूवल का एक सिग्नेचर होता है, वो अभी नहीं हुआ है। जैसे ही वो सिग्नेचर हो जाएगा, किस कारण से नहीं हुआ ये बिल्कुल उन्होंने नहीं बताया है, जैसे ही वो अप्रूवल का सिग्नेचर हो जाएगा वैसे ही वो फाइल अप्रूव हो जाएगी, और अप्रूव होने के बाद ये लोग वेबसाइट पर डाल देंगे। तो इन्होंने एक फिक्स डेट नहीं बताई कि इस डेट को हम डाल देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा बोला है कि हम जल्दी ही डाल देंगे, और ये वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई है। जो ये अफवाह उड़ रही है कि वैकेंसी कैंसिल हो गई है, तो ये वैकेंसी कैंसिल बिल्कुल नहीं हुई है, अभी तक ये वैकेंसी कैंसिल नहीं है, और बहुत जल्दी जैसे ही अप्रूवल डल जाता है वैसे 4050 वैकेंसी जो आई थी CHO की परसेंटेज बेस पे उसका रिजल्ट घोषित होगा। जुलाई से दिसंबर बैच वालों की ज्वाइनिंग के पीछे ये लेट हो रही है, जो इसके 2-3 मुद्दे थे। पहले ANM की जो बहाली हो रही थी उसका भी था, स्टाफ की कमी थी, उसके बाद में जो अभी रिसेंटली जो रीज़न है वो ये है कि इग्नू का जो काफ़ी सारे सेंटर्स थे जिनका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ था, धीरे धीरे अपडेट हो गया। तो पहले इन लोगों ने एक अलग से फाइल बनाई थी जिसके अंदर स्टूडेंट्स को जिन लोगों का रिजल्ट अपडेट हुआ है सिर्फ उन्हीं को ज्वाइनिंग देने की बात थी। तो अभी डिस्प्यूट चल रहा है कि ये ज्वाइनिंग सभी लोगों को साथ देनी है, क्योंकि कुछ सदस्य टीम है वो बोल रहा है कि ये ज्वाइनिंग सभी लोगों को साथ देनी है, और पहले जो इन्होंने लिस्ट तैयार की थी उसके अंदर ये था कि ज्वाइनिंग सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को दी जा रही थी जिन लोगों का जो इग्नू का CCS है जो अपलोड हो गया है, CCS आ गया है और मार्क्स अपलोड हो गए हैं। तो दोस्तों, अभी शायद ये जो लिस्ट जो आएगी जिसका इन्होंने अपडेट दिया है कि इसी माह जुलाई माह के अंदर ही इन लोगों की ज्वाइनिंग मिलेगी, और इसके अंदर क्या है कि ये डिस्प्यूट था कि लिस्ट कौन सी डाली जाए वेबसाइट के ऊपर, कि या तो लिस्ट डाली जाए जिन लोगों का पहले CCS अपलोड हो गया था और उनके मार्क्स अपलोड हो गए थे उनकी डाली जाए, या फिर अब जब सभी लोगों के ये अपलोड हो गए हैं सभी के साथ डाली जाए। ये डिस्प्यूट बहुत बड़ा था, इसके अंदर भी एक अप्रूवल बाकी है। तो दोनों जैसे ही इन दोनों वैकेंसीज का अप्रूवल हो जाएगा, जैसे ही दोनों का अप्रूवल हो जाएगा वैसे ही ये लोग अपलोड कर देंगे जुलाई माह इन लोगों ने डेडलाइन दी है। फिर से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, कोई भी नेगेटिव कमेंट प्लीज़ ना करें। तो दोस्तों, बहुत मुश्किल से इतनी भीड़ के अंदर वो लोग गए हैं, वहाँ पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, डांट भी सुननी पड़ती है। तो दोस्तों, इतनी अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, और फिर इस प्रकार के नेगेटिव कमेंट्स जो करते हैं वो प्लीज़ थोड़ा दूर रहें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।